अभी अभी खबर आई है कि गवर्नमेंट ने नए लिस्ट को बैन किया है चाइनीज एप्लीकेशंस को। अगेन यू नो द टाइमिंग, लास्ट टाइम भी यही हुआ था जब चाइना इंडिया का बॉर्डर पे टेंशन हुआ था और वहां पर से यहां पर थोड़ा सा ऐप के बैन, कुछ 59 बैन हुए थे ऐप्स, इस बार डबल ऑफ दैट एग्जैक्टली 118 ऐप्स हैव बीन बैन्ड एंड दिस टाइम वी हैव PUBG मोबाइल इन द लिस्ट। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, आई मीन आई वुड से एज आई ऑलवेज सेड अर्लियर एज वेल, I support what the government does because they might be doing something right only for us. But it's still sad. PUBG Mobile and PUBG Mobile Lite both are banned for now. There are a total of 118 apps. उसमें से ये दोनों भी यहाँ पर अब ban हो गए हैं. I don't know how to react to this. अब फिर से यही चीज हो रही है, diplomatic चीजों की वजह से apps ban हो रहे हैं. We don't still have an answer for the previous ones. मोबाइल लेजेंड्स क्यों बैन हुआ था, टिकटॉक क्यों बैन हुआ था, बस बोला था कि वो सिक्योरिटी इश्यूज कर रहे हैं। सेम चीज़ अभी भी बोले होंगे कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, अगर ये डिप्लोमेटिक वर्क की वजह से होता डायरेक्टली तो नहीं बोल पाएंगे, बट आई मीन दिस काइंड ऑफ एप्स गेटिंग बैंड इज आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू से अबाउट इट। देर आर मोर एप्स, एपस के साइड से बाइडू बैन हो गया है, टेंसेंट के थोड़े और एप्स यहाँ पर बैन दिख रहे हैं मुझे, राइज ऑफ किंगडम्स नाम का गेम है वो भी बैन हो गया है, काफ़ी सारे हो गए यहाँ पर बैन, एंड अगेन स्टिल इट्स अ शॉक। सो अभी के लिए दैट्स एन क्विक अपडेट, ये रहे सारे के सारे लिस्ट में यहाँ पर डाल रहा हूँ आपको ऐप्स की, कि जो 2 सितंबर से बैंड है कल तक शायद बैन हो जाएंगे फुली, एंड उसके बाद हम एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे गेम को। इवन इफ यू यूज VPN, यू नो VPNs आर नॉट समथिंग दैट वुड बी गुड फॉर दीज लाइव गेम्स जहाँ पर आपको पिंग इश्यूज होते हैं। सो आई डोंट नो टिल व्हेन इज दिस बैन गोइंग टू बी, इज इट अ टेंपरेरी बैन, इज इट अ परमानेंट बैन, नॉट श्योर अबाउट इट, बट फॉर नाउ दैट्स इट, इट्स एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट PUBG मोबाइल इज बैंड इन इंडिया। लेट्स सी आगे के अपडेट्स मैं देते रहूँगा, होपफुली अगर कुछ बेटर हुआ सिचुएशन या नहीं, फॉर नाउ इट्स बैंड इन इंडिया। सो दैट्स अ गेस।